कि कोई फिट टाइम नहीं होता, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता किसी भी चीज के लिए। अगर हम किसी टाइम का वेट कर रहे हैं या किसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको ठीक लगे, जब आप तैयार हो, उसी बिजनेस का सारा काम यही संभालती है। मतलब मैं जॉब में खुद एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, राजस्थान में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पे हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, बाकी सारा विजन प्लान इस तरह के सेल्स रख। मैं IAS की प्रिपरेशन कर रही थी शादी से पहले भी, और शादी के बाद मैंने उसे कंटिन्यू रखा। शादी की वजह से मेरी पढ़ाई में कोई कभी डिस्टर्बेंस नहीं आया। फिर IAS प्री का एग्जाम दिया था, उसमें थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे मेरे, तब थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हो गई थी इस चीज से कि करियर एक लाइन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें जाना कहाँ एक्चुअली। कि IAS एक बहुत मतलब लंबी जर्नी है कि आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो सकते पूरी तरह से। के बाद ये जो ब्लॉक्स है इस क्ले कटिंग मशीन में जाता है, कटिंग में आने के बाद इसका कुल्हड़ बनता है। अक्सर बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं और बिजनेस के बारे में सोचने के बाद में एक्शन नहीं लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाने वाला हूं, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर जो कि CA है पेशे से और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुल्हड़ बनाने का। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में प्रोडक्ट्स आप भी लॉन्च कर सकते हैं, इस कहानी से आप सीखेंगे। मैं खुद इस प्लांट पर विजिट करने आया हूँ, देखूंगा और मिलूंगा उनसे कि आखिर कैसे उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू करा, किस तरह के उनके सामने हर्डल्स आए बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, और अभी किस तरह से वो बिजनेस को स्केल कर रही हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहिएगा, देखिएगा, सीखिएगा कि कैसे आप भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकें। मेरा नाम कविता कुमावत है। मैं IAS की प्रिपरेशन कर रही थी शादी से पहले भी, और शादी के बाद मैंने उसे कंटिन्यू रखा। शादी की वजह से मेरी पढ़ाई में कोई कभी डिस्टर्बेंस नहीं आया। फिर IAS प्री का एग्जाम दिया था, उसमें थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे मेरे, तब थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हो गई थी इस चीज से कि करियर एक लाइन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें जाना कहाँ एक्चुअली। कि IAS एक बहुत मतलब लंबी जर्नी है कि आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो सकते पूरी तरह से, और शादी बाद आप जानते हो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ जुड़ जाती है जिन्हें हमें फुलफिल करना ही पड़ता है। तो मुझे सेटिस्फाई नहीं होती उस जॉब से कि मुझे अपना IAS ही चाहिए था, कि मेरा ड्रीम वही था। फिर एक बैकअप के तौर पर मैं जब सोच रही थी तो मुझे बिजनेस करना ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा रेदर देन गवर्नमेंट जॉब। फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने उनको थोड़ा डिस्कस किया, फिर उन्होंने सुनी मेरी चीजें, फिर हम दोनों ने मिलकर रिसर्च किया, कई जगह पर पता किया, जयपुर का मार्केट बाहर जहाँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती है वहाँ हम लोग गए, पता किया वहाँ कैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, किस तरह से वो लोग काम करते हैं। कि चाक वाला जो मेथड है वो मुझे अपने ही करना था, उसके अलावा था जिगर जॉली सिस्टम, तो उस वो थोड़ा बल्कि बहुत ज्यादा था, और उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरे को फ्रेंडली नहीं लग रही थी। Then, हमने ये हाइड्रोलिक प्रेस डिसाइड किया और फिर हमने अपनी कुल्हड़ बनाने का अपने बिजनेस स्टार्ट करा। तो आपका उस वक्त कुल्हड़ बेसिकली आया कैसे माइंड में कि कुल्हड़ में? कुल्हड़ मुझे पहले मिट्टी से ही रिलेटेड मैं कुछ सोच रही थी कि हम यूटेंसिल्स बनाते हैं इसके, फिर मैंने जब उसके बारे में पता किया तो वो थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए कम से कम, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी उस टाइम इन चीजों के बारे में कि उसे बनाने के लिए पहले मुझे बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें जाननी पड़ेगी जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैंने सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। तो कुल्हड़ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है, और अगर इसमें कोई मिस्टेकन हो भी जाता है तो वो एक यूज एंड थ्रू चीज है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इस चीज से। वेस्टेज कस्टमाइजेशन है, पूरा का पूरा वेस्टेज नहीं है इसमें। स्टार्ट की है इस तरह, हमारी जयपुर में एक नया काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जयपुर में ये बहुत कम बनता है, ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है ये माल, तो जो दुकानदार होता है उसे इस बात से खास मतलब नहीं होता है कहाँ से आ रहा है, कि कुल्हड़ में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है वो लोग, कि यूज एंड थ्रू चीजें उन्हें डेली काम में लेनी है और फेंकनी है, तो इसलिए उनको थोड़ा समझाते हैं कि अगर आप डिजाइन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा उन्हें अपनी स्पेशलिटीज बताते हैं, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम, कि उन्हें पता रहे कि हमारा माल आ कहाँ से। तो सेल्स में जाते वक्त जब आप पिच करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि बहुत से यंगस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या पिच करते हैं, क्या सैंपल्स देते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी बताइए। सैंपल देते हैं, उन्हें अपनी डिजाइंस के बारे में बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं जो उनके पास पहले से जो कुल्हड़ होते हैं उसकी रेट्स में, हमारी रेट्स में, हमारी सर्विसेज के बारे में हम बताते हैं कि हम आफ्टर मतलब जब हम सेल करने के बाद भी हमारी क्या सर्विसेज रहेगी उन्हें, जैसे कि अगर डैमेज होता है तो हम उन्हें कंपनसेशन देते हैं आगे, बहुत सारी चीजें हमें उस तरह बताती है। मैंने अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस देखी, KV आपका ब्रांड नेम आपने इस पे प्रिंट कराया। सो अगर जैसे कोई भी लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कूलर बेस्ड बिजनेस या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, जस्ट अपनी खुद की ब्रांडिंग तो रखें ही रखें, चाहे डिस्पोजेबल ग्लास है या किसी भी तरह का नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ताकि कस्टमर्स को रिटेंशन रहे आपके माइंड में, उसके माइंड में कि वो आपको वापस रिपीट ऑर्डर दें। अगर देखा जाए इस तरह के प्लांट को सेटअप करने में, हम स्टेप बाय स्टेप अभी विजिट करने वाले हैं, पूरा प्लांट देखते हैं
और आप मुझे बताते चलें कैसे कहाँ से फर्स्ट प्रोसेस से कैसे शुरुआत होती है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं। सो कविता जी, मुझे अपने प्लांट के बारे में बताइए, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या रहता है कुल्हड़ बनने का, मिट्टी कितने प्रोसेस से बनने के बाद में एक कुल्हड़ का स्ट्रक्चर बनता है, वो थोड़ा सा बताया। सबसे पहले हम दो तरह की मिट्टी यूज करते हैं, काली मिट्टी और पीली मिट्टी। उन दोनों को हम बराबर रेशो में मिक्स करने के बाद, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें ये मिट्टी घुलती है। तो ये क्या आपने पॉन्ड्स टाइप के बना रखे हैं, ये किस यूज में आते हैं? ये यूज ये होता है कि जो घुली हुई मिट्टी होती है वो इसके अंदर स्ट्रेन होकर के जाती है, ताकि जो भी कंकड़ पत्थर है, जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब हमें एकदम अच्छी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें कोई गंदगी ना रहे, कोई उसमें कंकड़ पत्थर ना रहे, वो छनके इसमें जाती है। फिर उसके बाद वो सेल्फ प्रोसेस सूखती है धूप से या फिर जैसे भी हवा से। फिर उसके बाद जब वो इस सिचुएशन में आ जाती है कि बहुत ज्यादा गीली भी ना रहे, बहुत ज्यादा सूखी भी ना रहे, तब हम उसे निकालते हैं। फिर वो मिट्टी आगे जाती है हमारी क्ले कटिंग मशीन के पास पहुंचती है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपका पहले प्रोसेस से वहां से होता है, फिर देन यहाँ पर सूखने के लिए फिल्टर होकर आपका प्रोडक्ट आता है, उसके बाद यहाँ से इन पॉन्ड्स में जाता है, उसके बाद यहाँ से वहां जाता है उस मशीन में। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, आप बता रहे हो ना। तो पहला फर्स्ट प्रोसेस है, इस हॉपर में जाने के बाद में मिट्टी का ग्राइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड स्ट्रक्चर पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से प्रोसेस हुई, इसके बाद में कहाँ जाएगा प्रोसेस। इसके बाद इस तरह से मिट्टी सूखती है। हाँ, क्या प्रोसेस है यहाँ पर, मिट्टी निकाल के दिखाइए। ये फर्स्ट प्रोसेस के बाद में सेकंड प्रोसेस है, इस तरह से ये मिट्टी ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक बन गया, ये इस कंडीशन में है कि अब इसका कुल्हड़ तैयार हो सकता है, ठीक है। फिर भी अगर ये थोड़े सा भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो हम इसे थोड़ा सा सनड्राइड और करते हैं, ओके। फिर ये आगे उस मशीन तक पहुंचती आई है, उसके बाद ये जो ब्लॉक्स है इस क्ले कटिंग मशीन में जाता है। इससे इस तरीके से क्रम्बल्स होते हैं मिट्टी के, और फिर ये इस कंडीशन में आने के बाद इसका कुल्हड़ बनता है, इसे उस मशीन तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत ज्यादा गीली भी नहीं है, बहुत सूखी भी नहीं है, ओके। तो इसके बाद में फिर इसको सांचों में ढाला जाएगा, एक्चुअली जो इस तरह की टाइज है, ठीक है। ये मिट्टी है ये वाली जो यहाँ से कट के आई है, फिर ये जो मिट्टी क्रम्बल होके आती है इस तरह से, फिर वो सांचे में जाती है, फिर ये बस इस तरीके से हमारे तैयार होता है। फाइनल प्रोसेस के बाद में सेकंड लास्ट प्रोसेस है, आई थिंक लास्ट इसमें भट्टी का रहता होगा, इसको हमें सुखाना होता है, फिनिशिंग करनी होती है, उसके बाद वो भट्टी में जाता है, पकने के बाद में हमारा कुल्हड़ पूरी तरह तैयार होता है, ओके। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जी। कुछ एक प्रोडक्ट मैं देखना चाहूंगा, अभी शायद गीले बहुत है ना जी, अभी अभी हम ये निकले हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस पर चल रहा है अभी आपके यूनिट्स में, इसके बाद में फिनिशिंग कैसे होती है इसकी, बेसिक फिनिशिंग का पाइए। अभी ये कुल्हड़ इस तरह बनने के बाद में इसे एटलीस्ट सर्दियों में पूरा एक दिन लेता है सूखने में, और गर्मियों में 4-5 घंटे में पूरा सूख जाता है। तो ये सूखने प्रॉपर सूखने के बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग करने के बाद इसे पकाया जाता है, ठीक है। तो फिनिशिंग वाले ये जो प्रोडक्ट है सुखाने के लिए ट्रेस पे ये इस तरह से रखे हुए हैं, आ जाइए दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 3-4 चरणों में इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले रॉ मिट्टी होती है, उसको गीला करा जाता है मेल्टिंग तरह से, उसको ग्राइंड करा जाता है, फिर उस प्रोसेस के बाद में वो सुखाया जाता है, और देन फिर उसको वापस एक जो मशीन क्ले कटिंग मशीन में रखा जाता है, देन फिर ये सांचों में ढाला जाता है। तो एक तरह का पूरा लाइन बना हुआ है जहाँ पर इस प्रोसेस टू प्रोसेस चल रहा है बिजनेस। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको 3 मशीनों की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट मिक्सर, सेकंड क्ले कटिंग, और थर्ड है कुल्हड़ मेकिंग मशीन, जो एग्जैक्टली आपको 3 मशीन से जब आप सेटअप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनकर एक मार्केट फिट बनता है, और देन फिर आपको प्रोडक्ट को सुखाने के लिए चाहिए होती है भट्टी, जो आप खुद अपने यहाँ पर डेवलप करा सकते हैं। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको और दिखा देता हूँ, ये फाइनल जो प्रोडक्ट है अभी यहाँ पर इस तरह से बनकर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। वो फिनिशिंग होने के बाद ही भट्टी में जाता है माल, किनारे पर मिट्टी लगाते हैं ना, ये साफ करते हैं। सो ये फाइनल जो प्रोडक्ट है आपके, ये किस, ये होपर टाइप का, क्या भट्टी है, क्या है जी? ये ट्रेडिशनल भट्टी है जो पहले के जमाने में यूज होती थी, ये ईंट और मिट्टी से बनी हुई है। ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर विजय। ओके, सो ये कैसे आपने स्टार्ट करने में हेल्प करी, और एक जब अपनी
घर में कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है तो बेसिकली लोगों को लगता है कि आप कैसे कर पाओगे, तो आप वो थोड़ा सा बताएं कि माइंड में किस तरह से बिजनेस स्टार्ट। देखो ये सारा बिजनेस का आइडिया जो प्लान सब इन्हीं का था, मैंने तो बस सिर्फ फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट दिया है, बाकी सारा वो बहुत एक मेजर चीज होती है आपके मैरिज, तो आप लोग कैसे मिले थे वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। तो ये बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अभी जिस तरह से चैलेंजेस भी आए और एक तरह का अच्छा एक प्रोडक्ट मार्केट पे आने लग गया है और सारी चीजें जर्नी हुई है, सेल्स तक आप पहुंच गए हैं, क्या विजन लेकर चल रहे हैं कि इन फ्यूचर आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कस्टमर्स के लिए प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट देंगे, वो थोड़ा सा मुझे बताएं। तो बिजनेस का सारा काम ये संभालती है, मतलब मैं जॉब में खुद एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पे हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, बाकी सारा विजन प्लान किस तरह की सेल्स रखनी है और बिजनेस को एक्सपैंड करना है, करना है, सारा आइडिया नहीं होता है। तो कविता जी आपने बोला कि आपके हस्बैंड आपके स्ट्रेंथ हैं और इन्होंने आपको पूरा सपोर्ट करा है जी। तो देखिए अगर आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं और अगर आपके फैमिली में कुछ इससे इतने सपोर्टिव लोग हैं तो आपको भी आगे पुश मारने में बहुत आसानी होती है। और मैं आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो डरना नहीं चाहिए कभी भी, आप होप ना हारें। सबसे बड़ी बात, हमें लाइफ एक बार मिलती है, हमें चांसेस मिलते हैं, अब उन्हें हमें पहचानना होता है कि हमें कौन सा टाइम सुटेबल लग रहा है, और जब आपको लगे कि वो टाइम सुटेबल है, जब आपको मौका मिल रहा है, आपको उस चीज को जरूर कोशिश करनी चाहिए कि कोई फिट टाइम नहीं होता, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता किसी भी चीज के लिए। अगर हम किसी टाइम का वेट कर रहे हैं या किसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको ठीक लगे, जब आप तैयार हो, उसी टाइम आप शुरू करो। पास फेल बाद की बात है, अगर आपने स्टार्ट भी किया, आपने ट्राई भी किया, तो ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट होती है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी फेलियर से सीखिए, डरिए मत किसी भी बात से, क्योंकि अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे हर्डल्स मैंने इसमें फेस किए, अकेले बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, और सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया क्योंकि मैं चाहती थी करना। सो बेसिकली जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है क्या हर्डल्स या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत सारे हर्डल्स हैं। पहली बात तो बिजनेस का नाम ही दूसरा रिस्क है। आप डेली ऐसी ऐसी चीजें फेस करते हो जो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, आपको रोज नई चीजें पता चलेगी। आप जब स्टार्ट करते हो आपको सिर्फ प्रॉफिट दिमाग में रहता है कि हाँ हम जब स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हम उसे सेल करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, वो आप तभी जानोगे जब आप उस चीज को खुद से करोगे। सो विदाउट विजन विदाउट मिशन अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, सिर्फ पैसा 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 माइंड में होता है, नहीं वो तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है मशीनें लगानी है, थोड़ा सा काम करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा और पैसा कमाएंगे। ऐसा सिंपलेस्ट और ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है इसका। जब से मैंने स्टार्ट किया है 4 महीने मैंने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी है इस बिजनेस में। इसमें क्या अगर कोई और भी कुछ काम करेगा तो उनको भी इस चीजें फेस करनी पड़ती है। यस, तो जैसे बेसिकली देखा जाए लोगों को लगता है चार्मिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, देन वो बिजनेस में बाद में लगता है हर्डल्स भी आते हैं, बट एक पॉइंट आता है टिपिंग पॉइंट, उसके बाद में वो सारी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। तो क्या अब नॉर्मल हुआ है अपनी लाइफ में सब? हाँ, पहले से बहुत बेटर है कि मैं पूरी तरह नहीं बोल सकती कि वो टिपिंग पॉइंट आ चुका है, बट आ रहा है धीरे धीरे। आई एम नाउ सेटिस्फाइड कि हाँ हम जो काम करना चाह रहे थे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब कि हो जाएगा। सो बेसिकली जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, एक जो यंगस्टर्स या वुमेन एंटरप्रेन्योर जब भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके मन में आता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, और लगभग मैंने 400 प्लस केस स्टडीज बनाई डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पे, तो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं हम करना चाहते हैं बट एक्शंस लेने वाले बहुत कम है। लाइक इस वीडियो को देखने के बाद में भी 5-7% ऐसे लोग होंगे जो एक्शंस लेंगे, और जो लोग नहीं लेते हैं एक्शंस उनकी मात्रा बहुत है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप बोलेंगे कि क्या आप बिजनेस करते वक्त एक्शंस लेते वक्त आपको जो कंफर्ट जोन से निकलना होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी चाहते हो एक बार उसे एटलीस्ट ट्राई करो। आपसे होता है नहीं होता वो बात की बात है, अगर आपने सिर्फ सोच के उस बात को खत्म कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक बार उस जगह जाओ, उसको कोशिश करो कि आपको पता तो चले कि मैं किस लायक हूँ किस लायक नहीं हूँ। सो अगर जितने भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, किसी भी तरह से आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करें, चुनौतियाँ आएंगी और बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ से आपको नई ग्रोथ देखने को मिलेगा और मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।